एंड मैं हूं आपका दोस्त उमर भट्टी और आप देख रहे हैं रूफ गार्डन विद उमर। आज मैं आपको लीमू पे अपडेट देने लगा हूं। ये देखे मेरे इस लीमू के प्लांट में छोटा सा प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसकी ज़्यादा हाइट बड़ी नहीं है और ये गमला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 14 इंच से 15 इंच का गमला होगा, जिसमें ये देखें मेरे पास कितने इस पौधे पर नींबू लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस छोटे से पौधे, 10 और ये 11 और एक 12। ये 12 इस पौधे पे, छोटे से पौधे पे फ्रूटिंग हुई हुई है। इसके जो फ्रूटिंग का टाइम पीरियड है वो अक्टूबर में इसको फ्लावरिंग हुई है स्टार्ट पे, अक्टूबर के स्टार्ट पे इस पर फ्लावरिंग शुरू हुई, क्योंकि सितंबर का महीना थोड़ा गर्म होता है जिसकी वजह से इसकी फ्रूटिंग होती है, पर इसके फूल जो झड़ जाते हैं। इसकी जो अक्टूबर में आप देखेंगे फ्रूटिंग जो फ्लावरिंग होगी, उसमें से अक्टूबर के एंड तक इसी तरह फ्रूट तैयार हो जाएगा। और ये कम से कम 3 महीने लेता है पीले होने में। वैसे ये ग्रीन भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दबा के देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा रस आपको महसूस होगा। ये देखें इसके ऊपर, ये मेरा पौधा है, इसके ऊपर अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है अभी। और ये देखें दूसरा पौधा, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग। ये देखें आपके एक टहनी के ऊपर कितने पौधे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एक पौधे पे एक टहनी के ऊपर। और ये नीचे इसके देखें 5, ये 5 जो है एक टहनी के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। और आप अगर बाज़ार से ये नींबू लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। ये देखें इसके ऊपर न्यू फ्रूटिंग भी, फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें न्यू फ्लावर भी खिल रहे हैं और साथ इसके ऊपर फ्रूटिंग भी तैयार हो रही है। आप इसी तरह अपने घर पर लीमू बड़ी ईजीली लगा सकते हैं। आपने नर्सरी में जाना है और आपने ग्राफ्टेड पौधा हमेशा लेना है। ये देखें ग्राफ्टेड की पहचान क्या है, आप ये देखें नीचे से इसके जो नीचे वाली टहनी होगी वो लहदा नज़र आएगी, जो ऊपर ग्राफ्ट लगा होगा इस तरह ग्राफ्ट लगा होता है क्रॉस क्रॉस, ये आप देख सकते हैं क्रॉस ग्राफ्ट लगा हुआ है। ये देखें यहाँ से ये नीचे तक, ये ग्राफ यहाँ तक ग्राफ्ट लगाया हुआ है। ये इसके नीचे कोई और लीमू था, उसके ऊपर ग्राफ्टेड उन्होंने किया। हमेशा आपने ग्राफ्टेड पौधा लेके आना है जब आपने छत पे लगाना है। छत पे लगाने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये ग्राफ्टेड लेके आएँ जिसके ऊपर जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग हो। अगर आप ग्राफ्टेड नहीं लेके आते उसके लिए जगह आपको ज़्यादा चाहिए और आपको स्पेस भी उसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी और टाइम भी, ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन कम से कम 4 साल बाद फ्रूटिंग देगा। अगर आप ग्राफ्टेड लेके आएंगे तो हो सकता है आप उसको अगस्त के महीने में लगाएं तो अक्टूबर के महीने में आपको उसके ऊपर से लीम्बू आना शुरू हो जाए। ये जो मेरा गमला है ये 24 इंच के गमले में मैंने लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये बड़े गमले में मैंने ये लगाया इसलिए इसकी, ये देखें इतना बड़ा प्लांट है। ये इसके ऊपर लीम्बू भी अच्छे और ज़्यादा लगे हुए हैं। ये देखें ये मेरा एक प्लांट है, इसके ऊपर ये देखें साइज़ चेक कीजिए आप नींबू का, ये साइज़ है। ये जो है ना देसी नींबू है, इसके अंदर रस ज़्यादा होता है ना कि चाइनीज़ है। ये चाइनीज़ के अंदर जो है ना बड़े होते हैं पर रस कम, उसके अंदर कम निकलता है और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। इसमें मैंने जो है जब मैं इसको लेके आया हूँ तब ये अगस्त का महीना था। ये मेरे पास 2 साल हो गए हैं इस पौधे को और अब ये हर साल मुझे 2 दफ़ा साल में लीमू देता है। आप इसी तरह घर बाज़ार नर्सरी से जाके ग्राफ्टेड प्लांट लेके आएँ, उसको इसी तरह रेतली मिट्टी ज़रूरी है इसके लिए, और वहाँ से आप पत्तों की खाद यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको साल में 2 दफ़ा पत्तों की खाद यूज़ करता हूँ जब इसके ऊपर फ्रूटिंग से पहले, क्योंकि 2 साल हो गया मुझे पता, मुझे मालूम हो गया है कि ये कब कब फ्रूटिंग करता है। एक दफ़ा ये अक्टूबर में फ्रूटिंग करेगा उस, मैं इसलिए इसको सितंबर में एक दफ़ा जो है ना खाद दे देता हूँ। 15 सितंबर के बाद इसमें एक दफ़ा खाद डाल देता हूँ, उसके बाद ये मार्च में फ्रूटिंग करेगा, इसलिए मैं इसको फरवरी में एक दफ़ा तब खाद दूंगा। उसके अलावा इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो तब आप इसमें जो है पानी कम कर दें। जब इसकी फ्लावरिंग टाइमिंग होता है आपने इसमें पानी कम रखना है, जिसकी वजह से इसके ऊपर फ्रूट, इसके फ्लावरिंग गिरे ना, क्योंकि अक्सर मसला लोगों को ये आता है कि इसके फ्लावर गिर जाते हैं। फ्लावर गिरने की वजह ये होती है जब आप एक्साइटेड में होते हैं कि इसके ऊपर फूल आ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह इसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं और इसका फ्रूट गिर जाता है। आपने करना ये है जब इसमें से, जब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो तो पानी आपने छोड़ नहीं देना बल्कि थोड़ा कर देना है। थोड़े का मतलब है जहाँ पे आप एक डब्बा देते थे वहाँ पे आपने आधा डब्बा पानी इसको डालना है। अगर आप 1 लीटर डालते हैं तो आपने आधा लीटर पानी डालना है। इस तरह इसकी
फ्लावरिंग नहीं गिरेगी। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर मज़ीद फ्लावरिंग हो रही है अभी, ये देखें इसके ऊपर मज़ीद फ्लावरिंग हो रही है। ये देखें मैंने इस दो तरह की वैरायटी यहाँ पे लगाई हुई हैं और मैंने डिफरेंट नर्सरी से ली हैं। एक नर्सरी जो है लाहौर में वो आर्य बाज़ार में है और दूसरी जो है वो कैरी शॉप कहलाती है। इसके ऊपर अलग अलग वैराइटीज़ के फ्लावर मैं पौधे लेके आया हूँ, अलग अलग वैराइटी के ये मैंने जो है ना आर्य बाज़ार से लेके आया हूँ। ये देखें आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जो दूसरा वाला इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है पर इस पौधे से कम होती है। अभी ये इसकी हाइट देखें और ये छोटा सा पौधा है और इसका ये देखें कितने ज़्यादा इसको फ्रूट लगे। अभी नीचे से पौधे को अगर आपने चेक करना है कि इसकी उम्र कितनी है तो नीचे से आपने इसका तना चेक करना है। ये तना इसका अभी बारीक है, जब आप ये दूसरा देखेंगे ये मेरे पास 2 साल हो गए हैं, इसका तना उससे मोटा है। तो इसकी ज़्यादा उम्र है और इसकी कम उम्र है, हमेशा आपने ये चीज़ चेक करनी है नर्सरी में जाते हुए कि एजिड पौधा होना चाहिए जिसका नीचे से ग्राफ्ट मोटा लगा हो, उसके बाद उसके ऊपर ऊपर वाला ग्राफ्ट भी मोटा लगा हो, जिससे जो है उसकी एज ज़्यादा होगी और इसमें से ज़्यादा ज़्यादा फ्रूट जल्दी जल्दी आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो देखने के थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।